हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, वेलकम बैक। तो ये वीडियो भाई पूरा एकदम अपडेट से भरा पड़ा, मतलब ये टॉपिक पूरा अपडेट के ऊपर ही है, जैसे कि आपको पता चल गया है। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एंड आप भी अपने जो भी क्या बोल सकते हैं उसे अपनी राय दे देना कमेंट्स में कि आप क्या चाहते हो। तो अभी हम लोग सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक कर दो वीडियो को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बेल आइकन दबा देना। तो गाइस, अभी क्या करेंगे ना, टाउन हॉल 14 का तो आपको पता है, पता चल गया है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है यार, आप लोग बहुत होशियार हो मुझसे ज़्यादा, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करें तो टाउन हॉल 13 जब अपडेट आया था, वो आया था दिसंबर में, ठीक है। तो दिसंबर में आया था तो उस टाइम पे हमको बहुत सी नई चीज़ें मिली थी। नई चीज़ें इन द सेंस क्या मिला था, हमको न्यू ट्रूप मिला था येटी, उसके साथ स्कैटर शॉट, हमको नया डिफेंस मिला था जो कि बहुत ही तगड़ा है भाई, मानता ही नहीं है। एकदम सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे तब आता है ना जब ये मेरे हॉक्स को मारता है, क्योंकि हॉक्स तो बेचारे इतने नाजुक और कमज़ोर है कि वो इतने जल्दी मर जाते, हील स्पेल भी नहीं डाल पाता, उससे पहले हील स्पेल के अंदर भी मर जाते। तो आप लोग सोच लो कितना खतरनाक चीज़ है, इससे भिड़ना मत भाई, मैं तो इसको छूंगा तक नहीं। और उसके बाद येटी आया था। ओके, येटीज यार आपको पता है इतने ज़्यादा पावरफुल है, एकदम मस्त, मज़ा आता है अटैक करने। एंड उसके साथ ही सीज बराक, मेरा मतलब है सीज वर्कशॉप आया था, ठीक है। तो सीज वर्कशॉप जब से आया तब से इतने सारे स्ट्रेटजीज, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो सीज मशीन्स है जो कि टाउन हॉल 10 से अवेलेबल है, टाउन हॉल 10 से हम लोग सीसी में रख सकते हैं, टाउन हॉल 10, 11, 12, 13 एंड 14 पे क्या आएगा नहीं है, वो आगे बात करते हैं 14 के, ठीक है। जो अभी चीज़ें हैं ना उसके बारे में बात करेंगे एंड फिर उस हिसाब से एनालाइज करेंगे कि टाउन हॉल 14 में क्या आएगा। तो ये सीज मशीन, तो आप मुझे एक बात बताना गाइस कि जैसे ये सब आया था अपडेट, सीज बराक्स हमको मिला, सीज वर्कशॉप मिला, ये मतलब सीज मशीन्स मिले, तभी जैसे आया देन बहुत सारे लोग टाउन हॉल 10 पे ये वॉल ब्रेकर यूज़ करने लगे। एंड क्या जब ये सीज मशीन नहीं थे तभी क्या थ्री स्टार अटैक नहीं हो रहे थे, ये आप मुझे बात बताओ। तो तभी भी ये थ्री स्टार अटैक्स हो ही रहे थे। तो जब से ये सीज मशीन्स आए हैं तब से हमको बहुत सारे वेरिएशंस मिले कि हम लोग अगर ये वॉल ब्रेकर यूज़ कर रहे हैं तो हमको पता है कि ये वॉल तोड़ के अंदर जाएगा तो उसके लिए कौन सा बेस्ट ट्रूप होगा वो हम लेंगे। एंड उसके साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैटल ब्लिम्प भी मेनली यूज़ होता है कि टाउन हॉल को उड़ाया जाए, लेकिन ज़्यादातर उसकी ज़रूरत नहीं है बिकॉज टाउन हॉल 10 पे डिफेंस नहीं होता ऑन द टाउन हॉल। एंड उसके साथ यहाँ पे बहुत सारे ये है एंड लॉग लॉन्चर आपको पता ही है कितना मस्त है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी ये तीन चीज़ हमको मेजर मिली थी, सीज बराक्स, आई मीन सीज वर्कशॉप, येटीज एंड फिर स्कैटर शॉट हमारे इस पे, ठीक है। ये और इसके साथ यहाँ पे हमको गीगा इन्फर्नो जो कि टाउन हॉल के ऊपर एक नया डिफेंस। एंड अगर आप बात करोगे टाउन हॉल 14 में क्या क्या नई चीज़ आ सकती है, तो अगर क्या हमें सिमिलर टाइप कुछ सीज बराक के जैसा ही कुछ, हमको सीज वर्कशॉप के जैसा ही कुछ और चीज़ मिलेगी जिससे हमको बेनिफिट मिले अटैक करते वक्त, या फिर हमको एक नया ट्रूप मिलेगा जो कि येटी से भी ज़्यादा पावरफुल होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, नो आइडिया, ग्राउंड ट्रूप, एयर ट्रूप, कुछ भी हो सकता है, नई स्पेल भी आ सकती है, क्योंकि ज़रूरी तो है नहीं कि भाई वो उनको नया ट्रूप ही देना हो, वो लोग स्पेल से भी ज़्यादा मतलब ये कर सकते हैं, थोड़ा और गेम को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और उनको ये बात तो पता चल गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको अगर ज़्यादा यूज़र्स को अट्रैक्ट करना है ना इस गेम को, तो उन लोग को बहुत जल्द से जल्द अपडेट लाना पड़ेगा, तभी वो ज़्यादा ऑडियंस को ट्रिगर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि नई नई चीज़ें जब आती है ना किसी गेम में, तो जो बंदे खेलते नहीं है ना उनका भी इंटरेस्ट आ जाता है, भाई चलो मैं एक बार इसे ओपन करके देखूंगा और इसे खेलूंगा, क्योंकि मैं भी इसे देखना चाहता हूँ कि भाई क्या चीज़ है और क्या नया अभी आया है सीओसी में, ठीक है। एंड बस मैं भी यही चाहता हूँ कि बहुत लोग पुराने वाले हैं उन लोग, आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार, जो आपके कॉलोनी में, चौल में, जहाँ पे भी है, जो खेलते थे, नहीं खेल रहे, उनको दिखाओ भाई ये अपडेट आ रहा है, भाई तू आ जा वापस से, तेरा वो जो डेड बेस है उसे ओपन करके वापस खेलना चालू कर, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे टाउन हॉल 14 की बात करें, डेट यहाँ पे कन्फर्म तो नहीं है बट ये इस साल आने वाला है। एंड उसके साथ ही टाउन हॉल 14 नई चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार थीम जो होगी ना, थीम के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का ध्यान है कि भाई कौन सी थीम होगी, बिकॉज टाउन हॉल 9 पे ब्लैक थीम है, अगर आप देखोगे ब्लैक रेड टाइप थोड़ा सा है, एंड टाउन हॉल 10 पे पूरा प्रॉपर है, ये क्या बोलते हैं उसे,
एकदम रेड है। एंड टाउन हॉल 11th पे अगर हम देखेंगे, टाउन हॉल 11th पे क्या है, वॉल्स उसकी वाइट है, तो वाइट का कैसे क्या होगा। टाउन हॉल 9 पे, सॉरी टाउन हॉल 12 पे भी थोड़ा थोड़ा ब्लूइश है, एंड टाउन हॉल 13 पे तो भाई पूरा एकदम ब्लू है, ठीक है। तो क्या अभी हमको ग्रीन या फिर कुछ और मिल सकता है, या फिर कुछ और कलर, एंड नहीं पता भाई कौन सा भी कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो लोग आ सकते हैं। भाई किसी से भी आ जाओ यार, नई चीज़ है, अच्छी तो लगने ही वाली है, कुछ भी हो जाए। एंड फिर उसके बाद ये डिफेंस, ठीक है, टाउन हॉल के ऊपर डिफेंस क्या आएगा, तो ये भी बहुत से लोगों को एकदम कन्फ्यूज्ड है कि क्या इस बार आ सकता है। देखो अभी टाउन हॉल 14 आएगा तो उसके साथ ऑब्वियसली कोई नया डिफेंस तो पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे ट्रूप्स के लेवल्स बढ़ेंगे, लेवल बढ़ेंगे तो भाई किसी कोई तो बैलेंस करने के लिए कोई एक ऐसा मेजर तो आना चाहिए डिफेंस जो उन सबको एकदम कंट्रोल में रखे, कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड ना रखे कि भाई कोई भी आर्मी लेके आ जाओ, बेस को उड़ा दो, बेस खत्म कर दो, 3 स्टार मार दो, ऐसा नहीं होगा। दोनों साइड से एकदम वो लोग बैलेंस करेंगे, तभी गेम चलता है, ठीक है, ये आपको पता ही है, क्योंकि आपको पता है कि टाउन हॉल 13 वर्सेस 13 सारे बेसिस हम लोग मतलब हर आर्मी से नहीं कर पाएंगे 3 स्टार, हमको पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा तभी हम कर पाएंगे 3 स्टार। सो इसके लिए एंड डिफेंस अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि टाउन हॉल 12 से चालू हुआ था टेस्ला, ठीक है, टाउन हॉल 12 पे हमको टेस्ला, गीगा टेस्ला वो हमको मिला था, एंड फिर उसके बाद टाउन हॉल 13, तो मुझे लग रहा है कि टाउन हॉल 14 पे तो कंफर्म है कि डिफेंस आएगा, क्योंकि ऐसा तो वो लोग नहीं करेंगे कि भाई टाउन हॉल 14 है बस नॉर्मल टाउन हॉल है उसके ऊपर कुछ डिफेंस नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो वो लोग एक्सबो लगाएंगे, या फिर वो लोग ये लगाएंगे स्कैटर शॉट, या फिर ईगल, तो ये इनमें से 3 चीज़ों में से मुझे बहुत मेजर लग रही है। आपको क्या लगता है ये आप लोग बता देना, एंड क्या भरोसा वो लोग इस बार एक्सबो भी लगा सकते हैं, या फिर अगली बार टाउन हॉल 15 के लिए वो लोग स्कैटर शॉट लगाए, या फिर टाउन हॉल 16 के लिए वो लोग ईगल लगाए। अगर वो लोग और गेम को आगे बढ़ाना चाहते तो ये शायद से उनकी प्लानिंग हो सकती है। तो मेरे तरफ से ये था सजेशंस, आपको आप मुझे बता देना कि क्या कोई चीज़ें मिस की है मैंने। एंड बात रही न्यू सुपर ट्रूप्स, वो तो और भी आने ही वाले, क्योंकि यार सुपर ट्रूप्स का क्या है भाई, बना दो छोड़ दो और क्या, उनको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, फिर करना तो हम प्लेयर्स को है कि भाई आर्मी बनाओ लेके जाओ। फिलहाल मैं यहाँ पे सुपर विच को बूस्ट किया हूँ, क्योंकि कल की वीडियो में हमने अटैक्स किए थे सुपर विचेस के साथ, एंड इस बार हम यहाँ पे हाइब्रिड के साथ रेडी है, तो थोड़ा अटैक हम लोग कर लेंगे इस वीडियो में भी। एंड अगर कोई बात में मुझसे मिस हुई है क्या, एंड मुझे एक्चुअली ना 6th बिल्डर को अनलॉक करना है भाई, करना क्या होता है वही नहीं पता मुझे 6th बिल्डर के लिए, एंड आप मुझे कमेंट करके बता देना ताकि मैं जान पाऊँ आप लोगों से, ओके। एंड हाँ चलो अभी क्या करेंगे, हम थोड़ा अटैक्स वटैक्स कर लेते हैं, ओके। एंड अपग्रेड यहाँ पे बाकी हमारा, तो अपग्रेड भी करेंगे उसके साथ। यहाँ पे एक हमारे पास बस यहाँ पे आर्चर्स एंड गॉबलिन्स है, तो आई थिंक कि मुझे गॉबलिन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि सुपर गॉबलिन्स में कभी कभी यूज़ करता हूँ, बिकॉज हाइब्रिड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एंड उसके साथ यहाँ पे अभी हमारे पास बचा है एक मेजर अपडेट, क्या लगा दे बड़ा वाला अपडेट्स 16 दिन के लिए भाई यहाँ पे चला गया। एक कैनन हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है, लेकिन वो फिलहाल यूज़ नहीं करेंगे। ओ भाई 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 बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बचा के रखूँगा भी, टाउन हॉल 14 आए तब फटाफट अपग्रेड कर दूँ। और अभी ना अभी एक हम लोग अटैक के लिए चलेंगे, ठीक है, मज़ा आएगा, प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो अगर आप यहाँ तक देखे हो तो। तो गाइस यार देखो अपडेट के बारे में ना थोड़ी सी चीज़ें मुझसे मिस हो गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे अटैक देखो, एक्चुअली मैंने अटैक ये पहले ही कर दिया, ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ, अटैक करते वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन भाई बाद में मालूम पड़ा कि इसमें मेरा आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मैंने ऑन ही नहीं किया, मतलब भूल गया करना। तो यहाँ पे ये अटैक देखो, यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 2:00 या 3:00 से, एंड क्वीन देखो अपनी, क्वीन बहुत ही मस्त काम किया यार, एकदम मज़ा आ गया क्वीन को देख के। एंड मैंने यहाँ पे एक्चुअली फनल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था कि चलो अभी क्वीन के ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब सुपर वॉल ब्रेकर जहाँ पर वॉल ब्रेक करेगा वहाँ से हम लोग क्वीन को अंदर भेजेंगे, लेकिन हमारी क्वीन ना थोड़ी सी ज़्यादा चालाक निकली और वो प्रॉपर टाउन हॉल, उसको पता है कि टाउन हॉल फोड़ना है, सूरज ने टाउन हॉल तोड़ने के लिए उसको भेजा है, तो वो जाएगी और करेगी वही। तो यहाँ पे देख लेना हमको इजीली मिल जाता है टाउन हॉल सबसे पहले तो, एंड फिर यहाँ पे स्कैटर शॉट भी देख लो, दोनों स्कैटर शॉट एक ही साथ में है, तो क्वीन को थोड़ा इजी होगा, लेकिन थोड़ा मार भी खानी पड़ेगी, अगर मार नहीं खाएगी तो फिर मारेगी नहीं, ठीक है, ऐसा है वो। तो यहाँ पे देख लो एंड सही चल रहा था यहाँ पे अटैक, एंड फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ऊपर से ये भी डाल दिया सीज बराक, एंड फिर उसके साथ किंग, एंड ऊपर से सारा का सारा हाइब्रिड उतार दिया, एंड आई थिंक ये सही था जो मैंने यहाँ पे प्लान किया। और यहाँ पे देख लो, मुझे लगा इस टाइम पे लगा था कि क्वीन मेरी मर जाएगी, लेकिन क्वीन को देख लो भाई मरती नहीं है और वो मतलब ज़िंदा ही रही, ठीक है, अभी आप लोग देख लेना आगे, शायद से आगे मरी है एंडिंग में,
तो यहाँ पे हाइब्रिड हमने उतार दिया ऊपर से, जो कि एकदम प्रॉपर हम सही से उतारे, एंड फिर उसके बाद अटैक हमारा बस आगे आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ यहाँ पे देख लो, हम फिर मैंने यहाँ पे रॉयल चैम्पियन को डाल दिया, एंड देन उसके बाद ऊपर से भी सीसी के हॉक्स आ गए एकदम अच्छे से, क्योंकि वो वाला जो पाथ था ना, वहाँ पर कोई भी डिफेंस नहीं था, सॉरी कोई भी ट्रूप नहीं था जो कि वहाँ पर ये करे डिफेंस को तोड़े। एंड फिर यहाँ पे एक और मिडल में मैंने प्रॉपर एक हीलिंग स्पेल डाल दी, जो कि एकदम सही से गई। ओ भाई रुक जा यार, कौन मैसेज कर रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे पॉइजन स्पेल हमने डाल थी कि क्वीन के ऊपर, एंड वैसे कुछ यूज़ नहीं होता फिर भी हम डाल देते, होती है तो। एंड यहाँ पे देख लेना अटैक, अभी आपको पता चल गया है कि अभी इसका क्या होने वाला है इस बेस का, मतलब ये 3 स्टार तो हो ही चुका है ऑलमोस्ट, एंड फिर हो जाता है इसी। तो वैसे अगर हम बात करें तो क्या वो चीज़ें मिस हो गई थी जो मैं आपको बता रहा था, तो वो है हीरोज़ के लेवल। देखो हीरोज़ के लेवल तो आएंगे ही भाई, आपको पता है वो तो ऑब्वियसली चीज़ें हैं वो जो आने वाली है, जो होगी, एंड उसके साथ पता नहीं अब क्या क्या आएगा भाई, उनको डिसाइड कर लें दो। अब हम क्या कर सकते हैं, हम तो खेल सकते हैं। और फिर यहाँ पे ये देखो अटैक हम प्रॉपर एकदम मस्त यहाँ पे हो जाता है, जो कि शायद से एकदम क्लोज गया था, 2-3 सेकेंड पहले यहाँ पे हुआ था ये 3 स्टार अटैक, एंड थोड़ा अगर हम और टाइम ले लेते ना तो ये 1% से भी फेल हो सकता था। और इसके बाद आप लोग लूट देखना, लूट की तो कोई कमी होती नहीं है भाई हमारे अटैक में, क्योंकि हम ना ऐसा बेस चूज़ करते जो कि एकदम मस्त हो, मज़ा आ जाए अटैक करने के लिए, और पूरा पैसा वसूल, लूट भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन के साथ यहाँ पे ये देख लो और 9 लाख की लूट, भाई इतना पैसा लेके क्या करेंगे यार, ठीक है। तो अभी हम लोग एंड करते हैं वीडियो, पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आ रहे हो चैनल पे, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। एंड अगर आप यहाँ तक देख रहे हो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ यार, वहाँ पर भी फॉलो वॉलो कर दो आपके भाई को, और फिर बस एंड कर दो वीडियो यहीं पे। एंड हाँ, बहुत ही एकदम मस्त चीज़ आ रही है आपके लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल है, आने वाले वीडियोज़ आप लोग मिस मत करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अभी एंड करता हूँ वीडियो यहीं पर।